हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला चाय, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और पीने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, फ्रीज से दूध निकाल कर बाहर रख देना है। और दूध हमें ऐसा होना चाहिए, कच्चा दूध नहीं होना चाहिए, उबला हुआ चाहिए। तो ये दूध हमारा उबला हुआ है, उबाल करके इसे फ्रीज में रख दी थी। तो फ्रीज से बाहर निकाल कर हमें 3 कप चाय बनाना है। तो 1 कप दूध मैंने निकाल करके बाहर रख दिया है। यहाँ पर दूध को कोई वो नहीं है कि हाँ आपको फुल क्रीम लेना है या टोन दूध लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो दूध पड़ा है वही दूध लेना है, फुल क्रीम हो, टोन हो, जो भी दूध है आपके घर पे वही लेना है। बस चाय बनाने से पहले दूध को फ्रीज से निकाल कर के बाहर रख देना चाहिए। तो बाकी के मैं ये दूध डालते समय आपको बताऊंगी कि फ्रीज से बाहर निकाल कर पहले क्यों रखना है। मसाला चाय के रेसिपी में फ्लेवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 इलायची ले रखी हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी छोटी वाली इलायची है, इसीलिए मैं 3 कप के लिए 3 इलायची ली हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली इलायची है तो 2 इलायची में भी 3 कप चाय आराम से बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलायची को कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चाय के लिए 3 छोटी इलायची को कूट लिया है, 3 इलायची को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चाय के लिए 3 छोटी इलायची को इस्तेमाल किया है। तो 3 इलायची को कूट लिया है। तो यहाँ पर 3 कप चाय के लिए 2 इंच अदरक को छील करके टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो अदरक को हम कूट लेंगे। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अदरक कभी भी आप घिस करके ना डालें चाय में, नहीं तो आपके चाय कड़वी बन सकती है। तो जब भी आप अदरक डालें तो कूट करके ही डालें। तो आप देख सकते हैं अदरक को कूट लिया है, तब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अदरक को कूट कर एक बाउल में निकाल लिया है। और अदरक डालने का एक पॉइंट होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सारी तैयारियाँ हो गई है, अदरक कूट लिया है, इलायची भी कूट कर रख लिया है, 2 लौंग ले लिया है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये चाय गर्मियों के लिए बना रहे हो तो इसमें सौंफ जरूर डालिएगा, सौंफ पेट को ठंडा रखता है। अगर आप ये चाय सर्दियों के लिए बना रहे हो तो इसमें मेरे कहने से काली मिर्च का पाउडर जरूर डालिएगा या केसर जरूर डालिएगा, इससे चाय का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको खांसी जुकाम है तो खांसी जुकाम के लिए भी ये चाय बहुत ही फायदेमंद है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। इसीलिए सब कुछ हमारा तैयारी हो गया है चाय की, तो गैस पर आप पैन चढ़ाएंगे और चाय बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन या भगोने कुछ भी चढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक भगोने रखी हूँ और इसमें डालूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं 3 कप चाय बना रही हूँ, तो 3 कप ही पानी डालूंगी। तो 3 कप पानी डाल दिया है, तो 3 कप चाय बनाना है तो 3 कप पानी डाल दिया है। और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि पानी हमारा जल्दी उबल जाएगा। जितनी जल्दी हमारा पानी उबलेगा उतने ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, पानी हमारा उबल रहा है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम अभी हमारा हाई है, तो हाई फ्लेम पे हम अदरक और इलायची बिल्कुल ही नहीं डालेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे पहले। तो गैस का फ्लेम लो कर दिया है, अब इसमें डालेंगे अदरक और इलायची डाल देंगे और लौंग भी डाल देंगे। अब इसे घड़ी से देखकर 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे उबलने देंगे, जब तक इसका पानी का कलर नहीं चेंज हो जाता। तो सारी चीज़ों को डाल दिया है, अब इसे 3 मिनट तक उबालना है। तो 3 मिनट इसे उबालिएगा जब तक कि पानी का कलर नहीं चेंज हो जाता। तो
कभी भी आपको चाय अगर अच्छी बनानी है तो ठंडे पानी में अदरक इलायची लौंग नहीं डालिएगा, उससे क्या होगा कि आपकी चाय कड़वी बन जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो पानी उबलने के बाद ही अदरक इलायची डालें ताकि आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनेगी, कड़वी नहीं होगी। अगर आप चाय पत्ती भी ठंडे पानी में डाल देते हैं तो भी आपकी चाय कड़वी बनेगी। चाय पत्ती भी कभी भी पानी उबलने के बाद ही डालना होता है, तभी आपके चाय के स्वाद अच्छी बनेगी, नहीं तो कड़वी बन जाएगी। तो इसे 3 मिनट तक उबलने देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट घड़ी से देख करके पानी को उबाल लिया है अदरक डालने के बाद। आप इसका पानी भी देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो गया है अदरक डालने के बाद। तो 3 मिनट उबल गया है हमारा पानी। अब इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे। आप देख सकते हैं चाय पत्ती डालने के बाद कैसे इसमें उबाल आ रहा है। तो इसीलिए कभी भी चाय पत्ती डाले तो उबलते पानी में ही डाले, ठंडे पानी में कभी भी चाय पत्ती नहीं डाले, नहीं तो आपकी चाय अच्छी नहीं बनेगी, कड़वी बन जाएगी। तो यहाँ पर चाय पत्ती आप जो आपके पास चाय पत्ती है जो आप यूज करते हैं वो ही चाय पत्ती आप डाल सकते हैं। चाय पत्ती की कोई वो नहीं है कि आप यही चाय पत्ती डालेंगे तो आपकी चाय अच्छी बनेगी, नहीं तो अच्छी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो चाय पत्ती है वो डाल सकते हैं। और हाँ, चाय पत्ती आप कितनी डालें ये आपके ऊपर है। आप चाय पत्ती कम डालकर पीते हैं, कड़वी पीते हैं चाय, या नॉर्मल पीते हैं, आप अपने हिसाब से चाय पत्ती यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच चाय पत्ती डाली हूँ, क्योंकि 3 कप में चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाय पत्ती कम ही डालती हूँ अपनी चाय में। तो आप अपने हिसाब से चाय पत्ती डाल सकते हैं, आपको कड़क चाय पसंद है या नॉर्मल चाय पसंद है, जैसा पसंद है उस हिसाब से आप चाय पत्ती डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चाय पत्ती डालने के बाद एक उबाल इसमें आ गया है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी भी आप देख सकते हैं छोटा वाला चम्मच है, इसी चम्मच से मैं 3 चम्मच ही डालूंगी चीनी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो चीनी भी आप अपने मिठास के अनुसार डाल सकते हैं, आपको मीठा कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। और कभी भी आप चीनी डालिए तो चाय पत्ती के साथ ही डालिए, नहीं तो चाय पत्ती डालने के बाद एक उबाल आ जाए उसके बाद डाल दीजिए। दूध डालने के बाद आप चीनी नहीं डालिएगा, उससे क्या होगा, दूध डालने के बाद आप चीनी डालते हैं तो चाय आपकी बहुत पतली हो जाती है, तो उसको बहुत देर तक दूध डालने के बाद उबालना पड़ता है। तो आप इसी स्टेज पर चीनी डालिए चाय पत्ती डालने के बाद, तो आपकी चाय बहुत ही अच्छी बनेगी। तब चाय पत्ती डालने के बाद 3 मिनट घड़ी से देखकर इसे और उबालेंगे। तो चाय पत्ती डालने के बाद भी गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे इसे 3 मिनट उबालना है, और बीच बीच में हमें कलछुल से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चाय के चारों तरफ इसका फ्लेवर फैले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय पत्ती डालने के बाद घड़ी से देखकर 3 मिनट तक उबाल लिया है। अब इसमें फ्लेवरफुल पानी में अब डालेंगे हम दूध, और दूध डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो अब दूध डालने के बाद ये फ्लेवरफुल पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो इसमें अदरक इलायची लौंग डाले थे तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि दूध निकाल करके बाहर रखने का रीज़न क्या था। तो रीज़न हमारा ये था कि फ्रिज से निकाल करके ठंडा दूध अगर हम चाय में डालते हैं तो चाय हमारा बिल्कुल एकदम से ठंडा पड़ जाएगी, तो उसको उबलने में बहुत टाइम लगेगी, तो उस तरीके से चाय हमारी अच्छी नहीं बनेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि फ्रिज में जब हम दूध रखते हैं तो उसमें मलाई जम जाती है, तो अगर हम ठंडा दूध डालते हैं चाय के अंदर तो ऊपर से मलाई आ जाती है, जो कि चाय को चाय में हम मलाई अच्छी नहीं लगती है। तो अब हमें क्या करना है कि कलछुल से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, ऐसे उछालते रहेंगे, इससे क्या होगा कि चाय हमारी चारों तरफ से बहुत अच्छी पकेगी, क्योंकि गैस का फ्लेम लो है। तो लो फ्लेम पे दूध डालने के बाद 1 मिनट तक हमें पकाना है, इसे छोड़ देंगे तो चाय हमारी अच्छी नहीं पकेगी, इसीलिए कलछुल से ऐसे बीच बीच में हम उछाल उछाल करके पकाएंगे। तो यहाँ पर आप चाय बनाएं तो कलछुल के इस्तेमाल जरूर कीजिए। कलछुल का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि चाय हमें ऐसे ऊपर नीचे
चलाते हुए ऊपर नीचे हम करते हैं तो क्या होता है कि चाय हमारा नीचे ऊपर से चारों तरफ से बहुत अच्छे से पक जाता है। ऐसे हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि गैस का फ्लेम लो है, नीचे की चाय हमारी पकेगी और ऊपर की चाय अच्छी पकेगी ही नहीं। तो इसीलिए कलछुल को बहुत ज़रूरी पड़ता है इसमें, तो कलछुल आप ज़रूर लें चाय बनाते समय और ऐसे उछाल उछाल करके पकाएं। तो आप देख सकते हैं दूध डालने के बाद एक मिनट इसे पका लिया है, चाय का कलर भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ना इसका कलर। तो अब गैस को बंद कर देंगे और चाय को छान लेते हैं। तो अब गर्मा गर्म चाय को छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चाय को छान लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, ये हमारी चाय को और भी स्वाद बढ़ा देगा। तो थोड़ी सी इसमें दालचीनी पाउडर और थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो आप चाय के साथ रस या बिस्किट कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ऐसे चाय पी करके भी ट्राई कर सकते हैं कितना टेस्टी बना है हमारा चाय, बहुत बढ़िया स्वाद है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें ये चाय। तो ये यकीन मानिए दोस्तों चाय तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है, तो ट्राई करना तो बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके घर ये चाय सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी मसाला चाय कैसी बनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।